मेरा नाम सृष्टि और आज हम सन टेंपल कोणार्क में हैं। तो चलिए मैं कोणार्क पास दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं आप, इसको डिजाइन एकदम बारीकी से किया गया है। चलो आप पास देख सकते हैं आप। बांधना पत्थर को काट के बनाया गया है। और ये पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे। ये मंदिर के अंदर पर इसे अंग्रेजों ने बाहर फेंका और इसे रखा गया है। और आपको तो फ्रेंड्स ये है सन टेंपल का चक्र। ये टाइम बताता है 24 आवर्स टाइम बताता है अभी कितना कितना नहीं। और टाइम तो घड़ी होती नहीं थी तो उसे बनाया गया। चलिए आपको मैं आगे दिखाती हूँ। यहाँ दीवार में हर जगह किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ सब तरफ चक्र को बनाया गया है, चार दिशा में बनाया गया है इस चक्र को, देख सकते हैं आप। पत्थर को काट के इतनी छोटी छोटी डिजाइन कैसे बनाते हैं ये सोचते हैं। क्या बोलते दिखाएंगे बाद में दिखाएंगे। चलिए दोस्तों तो मैं आगे दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स इस टेंपल के बारे में अब हमारे एक्सपर्ट बताएंगे, तो चलिए एक्सपर्ट से पूछते हैं। और उधर बाहर टुकड़ों को तो हमने दिखाया जिसे अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था। और दूसरी बात ये है कि आज भी इसकी खूबसूरती इस मंदिर की खूबसूरती आज भी बरकरार है। मैंने सुंदरता का वर्णन किया था रियलिटी का।
इस मंदिर के टॉप पे कलश था जिसे अंग्रेजों ने गिरा करके उसको ले गए अंग्रेज पानी जहाज में आते थे उस कलश जो बना था उस मैगन उसमें जो मैगन लगा हुआ था उसकी वजह से उनका कैंपस जो है वो गलत सिग्नल देता था इस वजह से उसको तोड़ दिए गिरा दिया और मंदिर उसके ढांचे को बनाए रखने के लिए लोहे से क्योंकि आपको पता है कि 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया और 11वीं शताब्दी में और अंग्रेजों ने भी इसको काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचाया और इस वजह से इसकी दीवारें क्षरण होने लगी हैं और नुकसान होने लगा है तो इसको सपोर्ट करने के लिए लोहे से इसको सपोर्ट दिया गया है। तो आप आएँ विद फैमिली हैं के लिए टिकट लगता है इस पर फ्री एंट्री नहीं है 14 साल से नीचे के बच्चों को फ्री एंट्री है लेकिन उसके बच्चे 40 रुपीज का करना पड़ता है और आप ज़रा दर्शकों को दिखाएंगे कैमरा मैन से मैं जाऊँगा तो दर्शकों को दिखा पाऊँगा थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं तो आपका मुझे मना किया जा रहा है कि ऊपर न चढ़ें इसके दीवारों को देखें ये लाजवाब हमने माफ कीजिएगा हमने स्थान नहीं किया इसमें लिखा था वो इस स्थान के ऊपर चढ़ना मना है करके चलिए हमने इंस्ट्रक्शन के मंदिर की बनावट को जरा दिखाते हैं। ये देखिए हर एक इंच पे बहुत खूबसूरती से नक्काशी की गई बहुत खूबसूरती से इसकी नक्काशी की गई आएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप मंत्र मुक्त हो जाए उस जमाने में बिना किसी आदमी का उजारों और अमूमन 11वीं शताब्दी में निर्मित जितने भी इसी कलाकृति से आप चाहे चले जाइए भुवनेश्वर जाइए उस समय के जितने भी मंदिर हैं उसी कलाकृति या इसी टेक्निक से बनाए हैं यही कलाकृति उमेश भैया इतने ऊपर तक पत्थरों को ले जाना उसको साइड करना ना उस समय क्रेन थे ना बड़ी बड़ी मशीनें थी और उसे तैयार करना सच ए वंडर। जरा दिखाएंगे ये दीवारों को ये सर्प की देवी होगी मेरे ख्याल से जो थोड़ी सी खंडित हो गई है और ये सब प्रेम के प्रश्न यहाँ पर वर्णन किए गए हैं।
सब मूर्ति का फेस थोड़ा देखो श्रमिक बताने की कोशिश की जा सकती है चार एक कोने पे चक्र लगे हुए और वो समय को इसका उद्देश्य खाली समय जानने का नहीं, ये चूंकि रथ के रूप में इसका निर्माण किया गया है, अतः ये रथ के चक्के हैं। तो इसके बाद जो अंग्रेजों ने जो मंदिर में तोड़फोड़ की, उस समय कुछ छोटी छोटी मूर्तियों को बाहर स्थापित कर दिया गया और रांची में वो उनकी सुंदरता आज भी बनी हुई है। आप जब देखेंगे छोटी छोटी मूर्तियाँ जो बाहर स्थापित कर दिया गया है, ये हाथी अंग्रेजों ने जो कलश को तोड़ के नीचे गिराया, तो वो जो वो लोहा है, वो लोहा वहाँ पर रखा हुआ, वो लोहा जो हजार साल होने के बावजूद बिल्कुल जम नहीं है वहाँ पर है। मेरे चल के दूर जाना पड़ेगा, कैमरा मैन यहीं से दिखा दे उस लोहे को। हाँ, लेकिन मैं इस विषय में एक दूसरा वीडियो बना करता हूँ। फाइनली ये है कि ये जो सन टेम्पल है बहुत खूबसूरत है, साथ ही साथ अगर सन टेम्पल आते हैं तो 3 किलोमीटर बाद चंद्रभागा, उसके बाद एक धाम है पूरी मंदिर भगवान जगन्नाथ की और जिनका झील। तो ये कुछ फेमस चीज़ें हैं जिसे एक बार तो देखना ही चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए मैं सृष्टि के साथ आपको अलविदा कहता हूँ। आप हमारे चैनल गुरुकुल संजय को सब्सक्राइब करें ताकि जो नया नया वीडियो आता रहे उसे आप उसकी सूचना बेल आइकन पर दबा देंगे। तो मैं सृष्टि के साथ बाय बाय बोलना चाहूँगा, रुक जाइए आप। बाय बाय बाय।